अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी तला हुआ गोश्त, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास वाली बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। ये देखिए, मैं आधा किलो मटन ली हूँ, से हम कुकर में डालेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और एक टेबलस्पून हल्दी, से हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसके हम 3 सीटी लेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करना है। 15 मिनट्स लेटर। ये देखिए, हमारा मटन गल चुका है। मटन को हमें अच्छी तरह ड्राई करके लेना है। 1 चम्मच ऑयल ली हूँ, इसे हम मटन के पीसेस ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छी तरह भून के लेना है। इसमें हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। इसे हमें 1 मिनट तक अच्छी तरह भून के लेना है। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, इसे भी हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। इसे हम हरी मिर्च को कट करके डालेंगे। इसे मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ, इसे हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। इसे हम 30 सेकेंड तक भूनते ही रहना है। इसे हम 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, इसे हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। इसमें हम 1 चम्मच मटन मसाला ऐड करेंगे। मटन मसाले को हमें लास्ट में ऐड करना है, इसे हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे, इसे हमें अच्छी तरह मिला के लेना है। इसे हमें 1 मिनट तक भूनते ही रहना है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे। ये देखिए, हमारा हैदराबादी तला हुआ गोश्त रेडी हो चुका है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।